तो भाइयों पहुंच चुका हूं मैं बाली और मैंने वीज़ा भी लगवा लिया। वीज़ा ऑन अराइवल था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आते के साथ लग गया चूना, लग गए भैया, लग गए यार। हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी समझना है समझ लो, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 11 और मैं हूँ कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और फाइनली 4-5 महीने बाद फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है बाली के लिए। इस बार मैं इंडोनेशिया जाने वाला हूँ, इंडोनेशिया बाली। अभी मैं हूँ कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, बस 2 घंटे में फ़्लाइट है। और पता है गाइस, वही मैं आपको बताया ना कि रात के भी मतलब मिड नाइट हो रहा है, 1 बज रहा है मान के चलिए। और सबसे मतलब कि इस बार जो मुझे मैंने टिकट लिया ना, सबसे कॉस्टली टिकट, आप बिलीव नहीं करोगे, ये टिकट मुझे राउंड ट्रिप का, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो राउंड ट्रिप का मुझे 35,000 पड़ गया। मतलब इधर से जाने का तो नॉर्मल ही है 12,500 का, बट उधर से आने का ना वो मान लीजिए आपके लग गया ऑलमोस्ट 21,000, वो भी मैंने एयर एशिया की फ़्लाइट की। और अभी पता है क्या हुआ, फ़्लाइट जैसे ही मैं कोलकाता पहुंचा ना, मेरे को मैसेज आया फ़्लाइट रीशेड्यूल का। अब मैं सोच रहा था कि कहीं यार 1-2 दिन आगे हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि छुट्टी उसी हिसाब से है तो। लेकिन 2 घंटे रीशेड्यूल हुई, मतलब 1 बजे का था तो 3 बजे से कर दिया। तो यही है। और डॉक्यूमेंट्स में कुछ खास डॉक्यूमेंट नहीं, पासपोर्ट, उसके बाद होटल बुकिंग वैसे देखा नहीं उसने। पहली बार मेरा जो इमिग्रेशन है ना बहुत इजी हुआ, और उसने बस पासपोर्ट और उसके बाद जो यहाँ की टिकट होती है वो देखा। हालांकि मैंने इंश्योरेंस भी कराया हुआ था, उन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं देखा। और हाँ, वो मेरे से ये पूछ रहे थे कि अकेले क्यों जा रहे हो, मतलब इमिग्रेशन में ये पूछ रहे थे कि अकेले क्यों जा रहे हो। और वो मेरे से पूछ रहे थे कि वहाँ कोई वेट कर रहा है क्या, उसका मतलब कहने का सेंस ये था कि वहाँ कोई गर्लफ्रेंड बना रखा है, क्योंकि यार थाईलैंड इंडोनेशिया वगैरह लोग होता है, होती होगी किसी किसी की, तो इस वजह से वो बोल रहे थे। तो बाकी मैं अभी एयरपोर्ट पे ही हूँ, आपको साथ में अपडेट देता रहूँगा कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होता है। और अभी हालांकि 2 घंटा टाइम है तो मैं चल रहा हूँ। हालांकि यार मुझे ना, मैं सोच रहा था यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवाने का, लेकिन बहुत कॉस्टली है यहाँ पे। ये मान लीजिए कि बैठ जाओ, करेंसी एक्सचेंज है ना, जैसे मैं क्योंकि, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि कुआलालंपुर में इस फ्लाइट का मतलब मेरा लेओवर है 8 घंटे का, तो मैंने सोचा कि US डॉलर कैरी कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए, फिर वहाँ की करेंसी क्यों निकालूँगा फालतू में। बट यहाँ पे पता है क्या रेट मिल रहा था, 100 US डॉलर के मेरे से 2000 INR मांग रहे थे। अब 8100 ऑलमोस्ट होता है, 1800-1900 रुपये एक्स्ट्रा, चलो 1000 ले लो, बट 1800-1900-2000 रुपये देना एक्स्ट्रा तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए मैंने नहीं कराया। बाकी 10,000 INR है मेरे पास, और कल कुआलालंपुर पहुँच के कार्ड से पेमेंट कर दूँगा, बाकी कुछ खाना पीना होगा तो बाकी बाली पहुँच के ही मैं वहाँ पे करेंसी वगैरह एक्सचेंज कराऊँगा, थोड़ा बहुत करा लूँगा एयरपोर्ट पे, ताकि होटल पहुँच जाऊँ। फिर बाली में तो लोकल यार वही होता है, और पता है आपको इंडोनेशिया में वीज़ा अराइवल है इंडियन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से वीज़ा लेने की कोई नीड नहीं है, वहाँ पहुँच जाओ उसके बाद आराम से वीज़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था। और मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, जो लोग मतलब कि अभी तो हालांकि वहाँ के डोमेस्टिक जो ट्रैवल कर रहे हैं ना वो भी इंडोनेशियंस, उनके लिए रूल है कि अगर आप जकार्ता जाते हो बाली से जकार्ता, तो अभी इंडोनेशियन के लिए है कि उनको बूस्टर डोज भी चाहिए। बट मे बी मैंने वहाँ के वेबसाइट पे पढ़ा था कि कभी भी ऐसा रूल हो सकता है कि फॉरेनर सिटीज़न के लिए भी इंडोनेशियन गवर्नमेंट ऐसा रूल लागू कर दे। सो अगर आप कोई आप प्लान कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपडेट्स वगैरह चेक करते रहना। बाकी रात वाले फ़्लाइट में तो यार ब्लॉग बन नहीं पाता अच्छे से। अब देखो यहाँ से 4 घंटे की फ़्लाइट है कुआलालंपुर के लिए, फिर कुआलालंपुर में पहुँचूँगा,
कुआलालंपुर में लंबा लेओवर है 7-8 घंटे की, फिर वहाँ से बाली मतलब शाम में 4 बजे की, तो बाली पहुँचूँगा। यही है, बाली में ऑलमोस्ट 7 बजे इंडोनेशियन टाइम के हिसाब से 7 बजे पहुँचूँगा। तो ये सारा कुछ स्मूथ था, पहली बार एयरलाइंस वाले ने ना उतना कुछ नहीं भेजेगा, बस मेरे से एक मेरी जो टिकट थी मैंने वो दिखाया, उसने बोर्डिंग पास दिया, 2 बोर्डिंग पास दिया, हालाँकि एक कोलकाता से कुआलालंपुर और दूसरा कुआलालंपुर से बाली। इमिग्रेशन में बस मेरे से ये पूछा कि मतलब तो अकेले वैकेशन मनाने कौन जाता है, वहाँ पे कोई है क्या, कोई वेट कर रहा है क्या, तो पता नहीं, हो सकता है मज़े ले रहे हो। गाइज फाइनली 4 घंटे के सफ़र के बाद मैं आ पहुंचा हूं कुआलालंपुर, जहां पे कि मेरा ले ओवर है लगभग 7-8 घंटे का, मान लीजिए शाम को है 4:20 का फ्लाइट, और अभी 10:15 हो रहा है। यार सोया नहीं हूँ ना, थोड़ा अजीब लग रहा है। हालांकि मैं कुआलालंपुर पहले भी आ चुका हूं, मलेशिया में पहले 3-4 महीने पहले जब मैं थाईलैंड आया था ना, तो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करके जा चुका था, तो इसलिए मैं यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर नहीं गया। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका मान लो 10-11 घंटे का लेओवर है, अगर आप कुआलालंपुर सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो आप ट्रांजिट वीज़ा ले लीजिए। यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा आपको इमिग्रेशन काउंटर पर ही मिल जाएगा, जो कि वैलिड होता है ऑलमोस्ट 12 आवर के लिए, 12 आवर्स से 24 आवर्स के लिए, तो आप लोकल कुआलालंपुर घूम सकते हो। उसके बाद जब आपकी फ़्लाइट का टाइम हो जाए उससे 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे आ जाओ, और जहाँ पे आपका फ़ाइनल डेस्टिनेशन है जैसे कि बाली मान लो, तो आप वहाँ के लिए फ़्लाई कर सकते हो। अभी यार मुझे यहाँ पे थोड़ा कुछ खाऊंगा पीऊंगा, 2 दिन से तो एक सोया नहीं हुई यार जाने की एक्साइटमेंट में, इसलिए ऊपर से छींक अलग आ रही है, वीडियो बनाने का अलग नशा चढ़ा हुआ है। बाली के लिए अब डायरेक्ट फ्लाइट देना चाहिए मतलब इंडिया से। खा पी लिया है थोड़ा बहुत कॉफ़ी और वो बर्गर, एयरपोर्ट पे तो पता ही है कितना कॉस्टली होता है। अभी भी 45 मिनट रह रहे हैं, तो मैं अपने गेट पे चलता हूँ, क्योंकि एयर एशिया में ऐसा होता है ना कि कभी भी फ्लाइट रीशेड्यूल हो जाती है। 378 378। बाकी यार मैंने होटल दो बुक कर लिया, एक सेमिनिया के एरिया में और एक दैनपसर में। मेरी एक फ्रेंड रहती है बाली में, उसने बोला कि दैनपसर में कुछ है नहीं यार देखने के लिए। अब एक्चुअली मुझे आज रात रुकना है, कल दिन में मतलब मान के चलिए कि 12 बजे के बाद तो निकल ही जाऊंगा, तो कुछ ऐसे जगह पर रुकना है जहाँ पे थोड़ा माहौल बन सके पार्टी वाटी वाला, तो वही है। बाकी चल रहे हैं गेट नंबर P11 पे, कोई दिक्कत नहीं आती ट्रांजिट करने में ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता। हालांकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था कि 7-8 घंटे का ले ओवर था यहाँ पे, और उसके बाद मैं कोई तीसरी कंट्री जा रहा हूँ मतलब वाया कुआलालंपुर, तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं बाली पहुंच के सिम वगैरह कैसे वो होता है, आगे सिक्योरिटी गेट है वो करके फिर मिलता हूं मैं आपसे आगे सिक्योरिटी। तो भाइयों पहुंच चुका हूं मैं बाली, और मैंने वीज़ा भी लगवा लिया, वीज़ा ऑन अराइवल था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। वीज़ा ऑन अराइवल का जो फी लगा है ना, वो मान लो कि ऑलमोस्ट 2700 इंडियन रुपीस कटा है मेरा, और अभी एक्चुअली रात हो चुकी है, 8 लगभग बज रहे हैं, तो मेरे को सिम लेना है और कुछ करेंसी वगैरह एक्सचेंज करा लेता हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी ना। yeah,
शर्मा बता रही है कि करेंसी एक्सचेंज ना बाहर में है, मतलब कि यहाँ से बाहर। तो एक काम मैं ये करता हूँ कि मैंने सिम ही ले लेता हूँ, सिम लेने के बाद फिर करेंसी एक्सचेंज का देखेंगे। आते के साथ लग गया चूना, लग गए भैया, लग गए यार। अब मजबूरी कह सकता हूँ, मजबूरी। यहाँ पे पता है सिम कितने का लिया मैंने? 2,350 रुपये का, 38 GB। यार पूरे दुनिया में ना इंडिया से सस्ता नेटवर्क मोबाइल डेटा और मोबाइल रिचार्ज कहीं नहीं मिलेगा, बहुत महंगा यार। वेलकम टू बाली गाइस। मैं यहाँ कैसे पहुँचा इसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और मेरे साथ एक सीन हो गया यहाँ पे इमिग्रेशन के बाद। वो कस्टम वाले ने मेरे को, मतलब कि जितने भी कपल थे ना सभी को जाने दे रहे थे। तो मैं अब बताता हूँ उसके बाद सीन क्या हुआ। जैसे ही मैं इमिग्रेशन करा के सिम वगैरह लेके सिक्योरिटी चेक करा के बाली एयरपोर्ट एग्ज़िट कर रहा था, तो जैसे आप बाली जाओगे ना तो बाली में जब एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ कस्टम वाले होते हैं। तो एक्चुअली मैं अकेला था और मेरे पास कोई बैग भी नहीं था, लगेज बैग मेरे पास बस एक हैंड बैग था। मुझे मतलब कस्टम वाले ने रोक लिया और बोला कि आर यू ट्रैवलिंग अलोन, वेयर इज़ योर फैमिली? क्योंकि आपको पता है जो बाली है वो मोस्टली कपल्स लोग जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं। तो मैं अकेला था, मुझे कस्टम वाले ने रोक लिया और मेरा ना लगभग कि बैग से लगभग सारा सामान बाहर निकलवा दिया और एक एक करके चेक करने लगा। हालांकि वो हंस भी रहा था। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपको पैनिक करना। अगर कोई भाई या कोई मेरा दोस्त अकेला जा रहा है बाली तो कॉन्फिडेंट होके जाओ, वो आपका बस पेशेंस लेवल चेक करता है। वो मेरे से यही पूछ रहा था कि कब तक रुकोगे, अकेले क्यों जा रहा है। मैंने उसको बोला कि मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ, मैंने 5 कंट्री अकेले ट्रैवल किया। फिर उसने पासपोर्ट ऐसे करके देखा, फिर वो जब मैंने उसको बोला ना कि मतलब मुझे यहाँ 15-20 दिन रुकने का प्लान है, तो पासपोर्ट लेके अंदर गया अपने कुछ मतलब सीनियर ऑफिसर के पास। फिर 10-15 मिनट बाद आया, उसके बाद बोला कि यू कैन गो नाउ। तो मुझे पासपोर्ट दिया, मैंने अपना बैग में सामान डाला और मैं एग्ज़िट कर गया। तो ये बात होता है, अगर इमिग्रेशन का स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे लग चुका है तो आप 90% श्योर होके जाओ। उसके बाद अगर कुछ भी होगा ना तो आप इंट्री तो मिल गई है आपको ऑफिशियल, वो बस आपका पेशेंस लेवल चेक करेंगे कि आप क्यों अकेले आए हो, ऐसे आए हो। अगर आप मान लो कि यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, तो कोलकाता में मेरे से पूछ रहे थे कि बाली अकेले कौन जाता है, वहाँ कोई वेट कर रहा है क्या? तो वो थोड़ा सा ये वियर्ड लगा। तो यही था इस वीडियो में, बाकी बाली की आने वाली वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मेहनत से बनाई है आप लोग के लिए। तो आप लोग यार ज़रूर देखो, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो आपको पॉपअप कर रहा होगा, उस पर आप मैसेज करते हैं या फिर आप मुझे मेरे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी आ रही हो टिकट बुक करने में, वीज़ा अप्लाई करने में, आप मुझे डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में गाइज ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।